ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को तोड़ते अगे तो हम गल करते हैं। श्रोमणी अकाली दल ने राम रहीम की पैरोल उत्ते सवाल चुके ने। भाजपा के वालों राम रहीम नूं दित्ती जा रही बार बार पैरोल ते बंटी रोमाणा के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ते खूब शब्दी वार। इस दौरान बंटी रोमाणा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच कीती जलंधर जिमनी चोण तो पहला 40 दिनों की पैरोल दिते जाना एक सियासी रंगत है। ये कहते हुए बंटी रोमाणा नजर आए ने। जलंधर जिमनी चोण तो पहला गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की पैरोल दी गई है, जिससे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम रहीम की पैरोल पिछे भाजपा की एक वड्डी साजिश है, यह बंटी रोमाणा ने आख्या। कैप्टन जाखड़ वर्गे डेरिया उत्ते डंडोत करते रहे ने बंटी रोमाणा, ये कहते हुए नजर आए थे। पंजाब की भाजपा चुप है तो दूसरे पास भाजपा के वड्डे सिख चेहरे से तमाम सिख चेहरे आखिर चुप क्यों ने, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत ढींसा भी कुछ नहीं बोल रहे ने। एक वड्डा सवाल इतने बनया होया है। पंजाबी अखौती पंथक ते विकाऊ चेहरे आखिर इस सब मामले ते बोल क्यों नहीं रहे ने। राम रहीम नूं वार बार पैरोल दिती जा रही है, पर उते बंदी सिंह जिहड़े लंबे समय तो जेल कट रहे ने उन्हां नूं पैरोल नहीं दिती जा रही। राजवाणा नूं जिथे 30 सालां दे विच महज एक घंटे लिए पैरोल मिली तां उते ही गुरमीत राम रहीम नूं एक ही साल के चार बार के करीब पैरोल मिलना नाल फरों मिलना एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा होया नजर आ रहा। लाइफ टर्म सर्व कर रहा राम रहीम, लाइफ टर्म फॉर लाइफ, उम्र कैद ते वारी वारी पैरोल दिती जानी, फरलो दिती जानी, रिलैक्सेशन दिती जानी, इनू कल्ली पैरोल वजो ना वेख्या जावे। इहदे पिछे बड़ी वड्डी सियासत, बड़ी एक डूंगी सियासत चल रही है भाजपा दी। इहदे ते जदों सवाल हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नू कीता गया प्रेस वालिआं वल्लों, खट्टर साहब दा जवाब सी कि पैरोल हर बंदे दा हक है, पैरोल इज़ एवरीबडीज़ राइट, सो मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूँगा। पहला तो मैं खट्टर साहब नूं पुछना चाहुंदा है कि हक ते राइट अज दे हिंदुस्तान च केवल उन्हां लोकां दा रह गया जिहड़े भाजपा दी लाइन ते चलदे होण, केवल उन्हां लोकां दा रह गया जिन्हों भाजपा समझदी है कि इन्हां नूं कानून दा हक मिलना चाहिए कि बाकी नागरिकां वास्ते भी है। मैं सवाल क्यों कर रहा है, बंदी सिंह भरा साडे पिछले 28-28, 30-30 साल तो जेलों के बंद है बिना पैरोल तो। भाई राजवाणा का जे केस की गल करिए तकरीबन 30 साल एक घंटे की पैरोल उन्होंने आपके सत्कारयोग पिता जी की अंतिम अरदास शामिल होने वास्ते मिली सी। सो खट्टर साहब की ये इस गल का जवाब देंगे कि ये राइट केवल तो केवल राम रहीम वास्ते भाजपा ने रिजर्व कर रखी है। 2017 की गल जाखड़ साहब ने की कि अकाली दल की मदद की राम रहीम ने, असी पहला भी कहते रहे, मैं अज भी दोहरा दिया, 2017 च भी भाजपा की मदद की सी, अकाली दल की मदद नहीं की सी। 2019-20 च भी इन्हें 6 एप्लीकेशन पैरोल दियां लाइया सी, रिजेक्ट कीतियां गईयां। 2020 च एक दिन की पैरोल दी गई, 21 च एक दिन की पैरोल दी गई, 2022 7 फरवरी नूं एक महीना पंजाब की इलेक्शन तो पहला 21 दिनों की पैरोल राम रहीम नूं भाजपा की हरियाणे की सरकार दिंदी है। अगे आ जाओ जून च संगरूर की बाई इलेक्शन आउंदी है, शायद 23 जून के 30 जून की इलेक्शन सी, जून के शुरू च 30 दिनों की पैरोल भाजपा की सरकार फिर राम रहीम नूं दिंदी है ते संगरूर दे विच उहदी मदद लीती जांदी है। अक्तूबर दे विच आदमपुर की बाई इलेक्शन ते हिमाचल की इलेक्शन आ जाती है, ते 14 अक्तूबर नूं 40 दिनों की जिहड़ी पैरोल है वह फिर भाजपा की सरकार दिंदी है। ते हुण जलंधर की बाई इलेक्शन आ रही है, सब नूं पता है बड़ी क्रूशल बाई इलेक्शन है, तो भाजपा का भी जोर पूरा लग्या, तो हुण फिर 40 दिनों की पैरोल 21 जनवरी नूं उहनूं दे दित्ती जांदी है।
ये पैटर्न है, ये अन्ना भी देख सकता है इस पैटर्न नू। मैं पूछना चाहना है कि ये एकदम समीकरण फिर जाता है सानू दस दिन की बदले। मैं कई बार जाखड़ साहब की गल सुनी है कि साहब मैं इन्हां नालों वड्डा सिख हाँ, साहब मैं पग नहीं बनता पट मैं गुरु साहब के सिद्धांतों से चलन वाला साहब। फिर साहब ये तो बोलो, चलो प्रधानमंत्री को ले, हिम्मत रखो, चलो अमित शाह को ले, जाओ खट्टर को ले, चंडीगढ़ ही रहिंदा, विरोध करो उस गल का जे दम रखते हो। तो कैप्टन साहब चुप है, लालपुरा साहब चुप क्यों है, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भाजपा की झोली पाने वाले कालका ते सरसा चुप क्यों है, ये ढींसा साहब नू मेरा सवाल है, ढींसा साहब चुप क्यों है इस मसले पर। बैंक अकाउंट है जिन्ना 16 करोड़ रुपया आया है दादूवाल का, अज तक वो तो पुछगिछ क्यों नहीं हुई। मैं तुहाडे राही पंजाब दे लोकां नू ये गल्लां दसनियां चाहुंदा कि ये सारे लोग ये चुप क्यों है। मैं तुहानू दसदा, कुछ तो इन्हां चों डर गए जिन्होंने काले कारनामे किए, तो कुछ विक गए